ये रिश्ता क्या कहलाता है मे जहां आप शिवांगी जोशी को नायरा के किरदार में देख रही हैं, तो वहीं अब खबर आई है कि सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है नायरा शो से एग्जिट लेने वाली है। जी हां, आपको बता दें कि बहुत जल्द सीरियल ये रिश्ता में जनरेशन लीप आने वाला है और इस लीप के आने से मेकर शो में जनरेशन लीप लेकर आएंगी। ये जनरेशन लीप 15 से 20 साल का होगा और खबर है कि शिवांगी जोशी अपने बड़े बच्चों की किरदार का माँ बनने का किरदार नहीं निभा सकती, इसीलिए वो शो से एग्ज़िट ले लेंगे। और यहाँ पर शिवांगी जोशी का एग्ज़िट दिखाने के लिए मेकर्स आप सबको अक्षरा की ही तरह शिवांगी जोशी का डेथ ट्रैक दिखाएंगे। इसी के साथ खबर है कि सीरियल कुमकुम भाग्य की एक्ट्रेस आप सबको दिखाई देने वाली है बहुत जल्द, कहीं और नहीं बल्कि सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में नायरा के किरदार में। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने, नायरा के किरदार में अब सीरियल ये रिश्ता में एंट्री लेगी बहुत ही जल्द कोई और बल्कि एक्ट्रेस श्रिति झा। जी हाँ, यहाँ पर अभी की प्रज्ञा बनने वाली है सीरियल ये रिश्ता की नई नायरा, क्योंकि खबर है कि सीरियल कुमकुम भाग्य शो बहुत जल्द ऑफ एयर होगा और उसके बाद श्रुति झा की एंट्री सीरियल ये रिश्ता में कार्तिक की नई पत्नी के तौर पर होगी, यानी कि नई नायरा के तौर पर श्रुति झा दिखाई देगी सीरियल ये रिश्ता में नई नायरा के तौर पर, जो निभाएगी कार्तिक के बड़े बच्चों की माँ का किरदार। तो ये है पूरा सच श्रुति झा की नई नायरा बनने का। क्या कहना है आप सबका श्रुति झा के नई नायरा के किरदार को लेकर, बताना बिल्कुल ना भूलें नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट नाइन लाइफ से रचने के लिए पॉडकास्ट।